गोल्ड कंट्री। सोना एक ऐसी चीज जिसे देखकर इंसान का दिमाग बौखला सा जाता है। ऐसे में अक्सर आपने ये बात तो सुनी होगी कि सोना खदान से निकलता है, लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में एक नदी ऐसी भी है जहाँ से सोना निकलता है। जी हाँ, अब भले ही आपको इस बात पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये 100% सच है, क्योंकि अब तक नदी के पानी से निकलने वाले सोने को निकाल कर कई सारे लोग अमीर बन चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सोने की नदी कहाँ पर है, कैसे इसमें से इतना सोना निकलता है और किस तरह निकाला जा सकता है। इनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य पता चलेंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा सोना था कि लोग गिनती करते रह जाते थे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं लग पाता था कि ये सोने का खजाना कितना बड़ा है। पर फिर बाद में हमारे देश से सोने को अंग्रेज लूट कर ले गए और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे भारत में पूरा सोना खत्म हो गया, क्योंकि आज भी हमारे भारत के मंदिरों में इतना सारा सोना रखा हुआ है कि हमारे देश की आधी गरीबी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। खैर, वो बात अलग है कि इस सोने को हमारे देश के विकास के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता और भगवान को खुश करने के लिए मंदिरों में रखा गया है। अगर हम मंदिरों के अलावा सोना पाए जाने की जगहों के बारे में बात करें तो सोने की जितनी भी खदानें थीं उसे तो सरकार पहले ही खंगाल चुकी है, लेकिन यहाँ मौजूद नदी अभी भी अपनी गोद में सोना समाये हुए है। जी हाँ दोस्तों, आज भी भारत में वो नदी बहती है जिसके पानी में सोने के कण पाए जाते हैं। ये आपको झारखण्ड में रतनगर्भा नामक जगह से बहती हुई दिख जाएगी और इस नदी को लोग स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये स्वर्ण रेखा नदी सालों से रेत के कणों के साथ सोने के कण भी बहाती चली आ रही है। दोस्तों, यह नदी मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहती है। हालांकि जब इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं तो लोगों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी तक शोधकर्ता इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस नदी में सोने के कण आते कहां से हैं। लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि ये नदी कई ऐसी चट्टानों से होकर गुजरती है जहां पर सोना होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में शायद पानी और चट्टान के फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के कारण सोने के छोटे छोटे कण पानी और रेत के साथ नदी में बहते हुए चले आते हैं। दोस्तों, अपने साथ सोने के कण बहाने वाली ये स्वर्ण रेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नाम की जगह से निकलती है और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होते हुए बालेश्वर नाम की जगह पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी करकरी नदी से रेत के कण इस नदी में मिल जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि स्वर्ण रेखा नाम की इस नदी में सोने के जो कण हैं वो करकरी नदी से ही आते हैं। दोस्तों, झारखंड में इस नदी के आसपास कुछ आदिवासी जनजातियां रहती हैं जो इस सोने को नदी से छानकर निकालने का काम करते हैं। इन आदिवासी लोगों की कई पीढ़ियां इसी काम को करती आ रही हैं। इसीलिए इनके परिवार के सभी पुरुष, महिलाएं, यहां तक कि बच्चे भी दिन भर पानी से रेत को छानकर इस सोने को निकालने का काम करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये लोग नदी से सोना छानने का काम पूरा साल करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में नदी में आई बाढ़ के कारण तकरीबन 2 महीने तक इनका ये काम बंद रहता है। और हम आपको बता दें कि पूरा दिन नदी से सोना छानने की इस कड़ी मेहनत के बाद एक आदमी को सोने के 1 या 2 कण ही मिल पाते हैं, यानी कि एक अनुमान से पूरे महीने में एक व्यक्ति को करीब 40 से 50 सोने के कण ही मिलते हैं। पर दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि जो लोग इतनी मेहनत करके दिन रात एक एक कण इकट्ठा करते हैं ताकि वो सोने की नदी से निकाल सकें, उनकी जिंदगी गरीबों की तरह चलती है, क्योंकि उन्हें व्यापारियों द्वारा इसकी सही कीमत नहीं मिलती और यही कारण है कि ये लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। वैसे इनकी गरीबी का एक कारण इनका कम पढ़ा लिखा होना भी है, क्योंकि जो व्यापारी इन गरीबों से सोना खरीदते हैं वो इनको बहला फुसला कर इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और इससे सोने के कण खरीद लेते हैं, जिसके बाद इन्हें तो चिल्लर पकड़ा देते हैं और खुद बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, व्यापारी इन लोगों से 50 से 70 रुपए प्रति कण के हिसाब से खरीदते हैं और मार्केट में उसी एक सोने के कण को 500 से 700 के बीच में बेच देते हैं। और अब तो सोना और भी ज्यादा महंगा हो गया है, यानी कि व्यापारियों को और भी ज्यादा लाभ होता है, लेकिन इन बेचारों को वही पुरानी कीमत मिलती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस नदी के आसपास मौजूद मोरंग मिट्टी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग यहाँ की चट्टानों को, मिट्टी को पहले अपने घर ले जाते हैं और फिर उसे पानी से धोकर कपड़े में छानकर एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा सोने को निकालते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो यही है कि दिन भर सोने के बीच रहकर भी इसी सोने का काम करने वाले ये लोग गरीबी की वजह से चैन की नींद नहीं सो पाते, क्योंकि व्यापारी लोग इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और इन्हें कंगाल का कंगाल ही रहने देते हैं, जो कि हमारे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। दोस्तों, अगर आपको उड़ीसा या झारखंड जाने का मौका मिले तो आप यहाँ जरूर जाइएगा, क्या पता आपके हाथ भी सोना लग जाए। लेकिन हाँ, सोना लगने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी या नहीं, ये हम नहीं कह सकते।
सकते, क्योंकि जो लोग दिन भर सोना ढूंढते हैं वो तो बेचारे गरीबी में मर रहे हैं। तो भला हमें दूसरों का क्या पता। बाकी आपका इस तरह के लोगों के बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।